जी मैं नैना बोल रही हूँ जी। वही मैं, हाँ वही मैनेजर जहाँ रेनू काम किया करती थी। एक मिनट ना, कौन है? भेलपुरी वाला। मैडम पूछना है आपकी भेल में मीठा ज्यादा डालूं या तीखा? ये आदमी कभी नहीं बता सकता। देखिए वो मेरा ना शेफ आ गया है, वो थोड़ा पागल है, आप तो जानते ना इन सबके नखरे कैसे होते। ये सब छोड़िए, दरअसल मैंने ये फोन किया था पूछने के लिए कि रेनू की माँ का कुछ पता चला। नहीं वो अब तक नहीं आई है, और मैंने कहा था ना आपसे उनके आते ही मैं आपको बता दूंगा। पर हेलो, काट दिया, कहाँ चली गई उसकी माँ? कुछ समझ नैना, अब तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही हो, जल्दी दरवाजा खोलो। नैना क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे ड्राइवर बना के रख दिया है। कब तक वेट करूं मेन साहब का? कितना टाइम लगता है तुम्हें तैयार हो? तो उम्र लोगों को हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती? हम तुम्हारे जैसे इतनी जल्दी जल्दी तो ना तैयार हो सकते कि पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया और सब तैयार हो गए। कुछ ठीक नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, बालों में कोई प्रॉब्लम है, कुछ अटका है बालों में? लिपस्टिक का दाग लगा है ना कहीं पे? कहाँ लगा है? हाँ बताओ, बोलो ना। मैं दादी, दादी इतनी सुनी लग रही है पुत्र, तेरा रूप देखे हक्का बक्का रह गया, बोलती बंद हो गई, आवाज अलग में अटक गई। वैसे इनकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनकी आंखों पे टॉर्च मार दिया। खुशफहमी बहुत है तुम्हें। नजर न लगे, सच कहती हूँ, आज तेरे आगे चांद की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। माँ बनने वाली है ना, इसलिए अंदर से चमक रही है, इसी को कहते हैं प्रेगनेंसी ग्लो। हाँ दादी, सच कहा आपने, नैना बिल्कुल चांद जैसी लग रही है। देखा, हमेशा ऐसे करता है, एक चपेट लगाऊंगी। दादी 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 मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, एकदम चांद जैसी लग रही है नैना। जैसे चांद की खूबसूरती में एक दाग होता है ना, वैसे ही नैना की खूबसूरती में भी एक दाग है, उसके माथे का पिंपल नजर ही नहीं हट रहे। ओह माय गॉड दादी, ये पिंपल मैं दादी आप है ना, इसे वो बादाम वाली खीर खिलाना बंद करें, इसके स्किन के लिए अच्छी नहीं है। और छोटू, बहुत जल्दी हमें तुम्हें मोटू बुलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी माँ की तरह लोगे। ना सताएगा और बस भी कर। Exactly. इस मैडम जी को समझाइए ना कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। देखो मैं गुस्सा मत करो, नहीं तो तुम्हारा पिंपल फट जाएगा। देखो वहां सेरेमनी के लिए कब से लोग वेट कर रहे हैं, खुराना कितने बार फोन कर चुके हैं, हमारे बिना पूजा शुरू भी नहीं होगी। और ये देखो पैम चाची का 10वां कॉल, फोन कर करके परेशान कर दिया। अब चलो मेरे पास टाइम नहीं है, देखो तुम के लिए। देख क्या रही हो, चलो एवरीबॉडी प्लीज। कितना सड़ू क्यों है? कोई ना पैम, कोई ना। क्या कहते थे ऑस्ट्रिया के योगा टीचर? ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। क्या हुआ पैम? Everything okay? हाँ ना, कैसा था भाभी? मेरी बेटी का फंक्शन रुका है क्योंकि महाराजा और महारानी अभी तक आए नहीं है। ती फिक्र मत करो, वो लोग आ जाएंगे। दादी एक काम कीजिए, आप आगे बैठिए, मैं पीछे बैठती हूँ। वो क्या है ना, मुझे लोगों की बकर बकर नहीं सुननी, मुझे मेरे और मेरे बेबी का मूड खराब नहीं करना। ठीक है, मेरे सामने हिम्मत भी नहीं होगी किसी की तेरा मूड खराब करने की। देख रहे हो? जब मैं रेयर व्यू मिरर एडजस्ट कर रहा था तो मुझे लगा एक स्पीड ब्रेकर दिख गया, लेकिन जब गौर से देखा तो पता चला तुम्हारा पिंपल था। स्टुपिड। दादी सुना ना आपने? सुना आपने कैसे छेड़ रहा है मुझे?
काम खिंचवाने का शौक हो गया है तुझे, है? मत तंग कर मेरी बहू को। सॉरी दादी, मुझे लगा अगर रास्ते में पिंपल फट गया तो मेकअप खराब हो जाएगा ना। दादी अब आप भी हंस रहे हो। हाँ तो अब मैं क्या करूँ, लेकिन सुनो हम लोग लड़की वाले हैं, अगर फंक्शन में देर से पहुँचे तो चाची यहाँ घर सर पर उठा लेंगे। हेलो, हाँ रास्ते में हम आ रहे हैं। जल्दी आओ नैना, अपनी मौत की तरफ कदम जल्दी बढ़ाओ, क्योंकि अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। रुक जाओ, आंटी जी ये सब की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है फंक्शन तो ईरा का है ना? हाँ बेटा, लेकिन ये ऐसी रस्म है जिसमें ईरा के बड़े भाई और भाभी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि ईरा और अरमान को। प्लीज मना मत करना। भगवान जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, भला आपसे और क्या मांगू? बस मेरे छोटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। और मेरी दूसरी इच्छा, मैं एक माँ हूँ और मैं उस माँ से मिलना चाहती हूँ जिसने अपनी बेटी खो दी। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे उस औरत से मिला दीजिए। आप लोग अंदर आइए ना। आओ बेटा। भाई तुझे मेरे साथ चलना होगा। क्या हुआ, सब ठीक है? चल बताता हूँ। ये यहाँ, ये सब क्या है रे? एक नई शुरुआत है। आज अरमान मेरे सामने तुमसे एक वादा करेगा। कैसा हुआ? क्या हुआ, सब बातें मैं ही बोलूं या तू भी कुछ बोलेगा? बोलना जी भाई। वो एक्चुअली भाई चाहते थे कि मैं आपसे एक वादा करूं, आज से ईरा का पूरा ध्यान मैं रखूं। भाई चाहते हैं? नहीं, मेरा मतलब था मैं चाहता हूं। अपनी बातों से तो तुम मेरा दिल जीतने से रहे, हरकतों से कोशिश करना, लेकिन याद रहे नो मैसिंग, क्योंकि ईरा मेरी बहन है। उसकी खुशियां और सुरक्षा को लेकर मैं बहुत सीरियस हूं। अगर किसी ने भी उसे दुख पहुंचाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Do you understand? मिस्टर राघव, तुम इसकी चिंता मत करो। ये चाहकर भी अपना वादा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि रहना तो इसे यही है, मेरे घर में, मेरी नजरों के सामने, है कि नहीं? Of course, भाई। तो मैं चलता हूँ। I'll see you guys later, हाँ? ठीक है। राघव, तुम ईरा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव हो ना, देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे देखा जाए तो वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, लेकिन सगी बहन से भी बढ़कर है तुम्हारे लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी सगी बहन होती तो तुम उसके लिए क्या क्या करते ना? कुछ नहीं कर पाया मैं उसके लिए। मतलब मेरी सगी बहन है। बेचारी कितनी कमजोर लग रही है। भगवान जी इन्हें हिम्मत देना, जगह ही नहीं है। भगवान
सिचुएशन में तुमको झुकना नहीं चाहिए। क्या ढूंढ रही थी तुम? रहने दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अपना ख्याल रखा करो बेटा। अच्छा चलो, अब वो चुनरी की रस्म के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो इस चुन्नी की तरह तुम हमेशा पेड़ की ठंडी छांव बने रहना, जो लोगों को राहत देती है। बढ़िया है, इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए पेड़ की छांव फायर ब्रिगेड का फव्वारा लगेगा। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर घर को तुम्हारी जैसी गुणी बहू मिले, जो घर को वृंदावन बना दे। ये अजीब सी बदबू कैसी? बदबू? नहीं तो बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, शायद इस वजह से तुमको ऐसा लग रहा होगा। नहीं, सब ठीक है ना? हाँ, शायद चाची ठीक कह रहे, पर ये बदबू, ये बदबू इस चुनरी से आ रही है। वेल नॉट रियली, एक्चुअली ये चुन्नी जो है वो डायरेक्टली दर्जी से आई है, और मैंने उसे कहा था कि इस चुन्नी को सोने के धागे से सिए। I think probably इसी वजह से ये स्मेल आ रही होगी। नहीं, ऐसी कोई बदबू तो नहीं आ रही है। देखो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो उतार दो इसे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।